नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का आवाज़ एकदम बुलंद करने का, एक यूनिटी के साथ दिल्ली की तरफ गूंज कीजिए। और अब लोहा गर्म है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब संसद चल रही है, विभिन्न राज्यों से सांसद आए हुए हैं, और आप एसएससी जीडी स्टूडेंट्स एक राज्य का नहीं है ना, पूरा देश से आपने अप्लाई किया हुआ है। पास स्टूडेंट, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हो, सारे जन आइए दिल्ली, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, मिलो अपने अपने सांसद, राज्य के सांसदों से बातचीत कीजिए, घेराव कीजिए, जो कर दिल्ली आपके है, देश आपका है, आप इस देश का नागरिक हो, वोट बैंक हो सबसे पहली बात, ये मत भूलिए और ये याद दिलाइए। अच्छा, पिछले दिनों मुझे एक कॉल आया था, उस कॉल को सुनकर मैं जरा बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि जैसे उस कैंडिडेट का आवाज सुन रही, मुझे ऐसा लगा कि वो क्या रहा है, क्या ये सही हो रहा है? और इस एंड तक आने का मकसद क्या है, क्यों, कौन जिम्मेदार है? मेरा कहने का ये मतलब है कि वो फोन जब जो कैंडिडेट था वो मुझे कह रहा था कि मैडम मैं सुसाइड करने ले निकला था, सुसाइड करने की कोशिश की। भाई, सुसाइड करना गलत डिसीजन है, इसका मतलब है तुम सामने वाला को मौका दे रहे हो। अरे, फौज में ज्वाइन होना है, ताकतवर बनो, सुसाइड सब ना साइड में रखिए, बच्चों का खेल हो जाता है, जिंदगी जीना सीखो, और जीने के लिए अपना हक लेना बहुत जरूरी है। मैं उस कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मैं सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में एक यूनिटी दिखाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी स्टूडेंट ही क्यों, कोई आम इंसान भी उस दिशा में ना चल पड़े। एक दूसरे का साथ दो। मैं दिन में बहुत सारे फोन सुनती हूँ और सबसे बातचीत करती हूँ, भले बहुत सारे काम हैं मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं नहीं बात करूंगी तो कौन बात करेगा, उनका आवाज कौन सुनेगा, उनको रास्ता दिखाएगा कौन? और ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने मुझे फोन कर दिया था और एक माइंड सेट किया कि नहीं, आपका हक बनता है, जिंदगी इतना आसान नहीं है, और जिंदगी लेना या खत्म कर देना वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो हमारे हाथों में नहीं है, वो सब ऊपर वालों के हाथों पे छोड़ दीजिए। जब भी बुलावा आएगा आएगा, और शान से जाएंगे ऊपर, तो वो सब साइड पे रखिए, साइड लाइन कर दीजिए, और सिर्फ मछली के आग के ऊपर नजर रखना चाहिए, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर। अब मैंने आपको 6 तारीख या 7 तारीख को इस जून का महीने का मैं सॉरी जुलाई महीने का ही एक वीडियो डाला था, जो एक स्टूडेंट है उसने अपना क्या कहते हैं उनसे RTI डाला था सारा कुछ, और अजीत डोवल
लेटर भेजा, फिर उन्होंने नित्यानंद राय जी से बात किया। मेरे हिसाब से उन्होंने बात किया था 8 जुलाई को। उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उन्होंने कहा लास्ट में स्टेटमेंट, मैं नक्सली ज्वाइन करूंगा। भाई ज्वाइनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी में ही होना है, नक्सली नहीं। आप अपने आप को खोखला मत कर दीजिए, खत्म मत कर दीजिए और ये सब विचार साइड में रखिए। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में यही कहा कि आपका आंख नज़र सिर्फ और सिर्फ मछली के आंख के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए, सारे जने यही बोलते मैडम हमें मिल जाएगा ना, मैडम हमें मिल जाएगा। अरे क्यों नहीं, आपका हक बनता है, कौन छीनने वाला है आपका हक, क्योंकि आप वोट बैंक हो। अगर आज आपके प्रदेश में वो इलेक्शंस नहीं है, कल तो होगा, परसों तो होगा, यू आर द वोट बैंक। सरकार भूल गए, मैं फिर से याद दिला रही हूँ सबको कि आप सब दिल्ली की तरफ कूंज कीजिए। आपका संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लोहा गरम है, मतलब संसद चल रही है, सारे सांसद मौजूद हैं। आइए दिल्ली, अपना आवाज़ बुलंद कीजिए, कोई गाली गलौच नहीं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, आवाज़ बुलंद होना चाहिए आप लोगों का। और दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के जनता को जागरूक हो जाएंगे कि भैया ये क्या हो रहा है, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कौन है ये बच्चे लोग, तब जाके उनको पता चलेगा एसएससी जीडी 2018 के बारे में। बिकॉज आज कल परसों तरसों जब भी आपका आंदोलन होगा वो एक सबक होगा 2021 का स्टूडेंट्स के लिए, नोटिफिकेशंस जो आया है उनके लिए। उनके माँ बाप भी 10 बार सोचेंगे कि भैया हम अपने बच्चे को भेजे या ना भेजे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन, आवाज बुलंद। मैं माननीय गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट पास कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर के ऊपर हस्ताक्षर की देरी है, प्लीज़ प्लीज़ इसके इनके ऊपर ध्यान दीजिए और इनको जॉइनिंग लेटर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।